J5 Edge 2016, इसकी FRP 7.0 है और इसे बाईपास करेंगे। सबसे पहले मैं इसका एक्सेसिबिलिटी पे जाकर इसका टॉक बैक ऑन करूँगा, टॉक बैक ऑन। इसके बाद बैक करूँगा, बैक जाऊँगा, फिर वॉल्यूम दोनों बटन दबा के इसको एक साथ प्रेस करूँगा तो टॉक बैक रिज्यूम हो जाएगा। स्क्रीन पे एल का ऑप्शन बना के यहाँ पर से मैं टॉक बैक को सेटिंग में जाऊंगा और दोबारा से टॉक बैक ऑफ कर दूंगा। नीचे जाऊंगा हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करके, यहाँ से हम जाएंगे गेट स्टार्टेड विद द वॉइस एक्सेस। यहाँ से हम वीडियो प्ले करेंगे, वीडियो प्ले कर देंगे। यहाँ हम जाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अकाउंट की तरफ, यहाँ से हम पुलिस प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे गूगल, यहाँ से हम सर्च करेंगे S7 लॉन्चर। वालेकुम सलाम, S7 लॉन्चर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, बुकमार्क हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री। यहाँ से हम जाएंगे S7 लॉन्चर इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग अननोन सोर्स को ओपन करेंगे, इंस्टॉल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में हमारे चैनल पे कमेंट्स भी करना। S7 लॉन्चर को ओपन किया, हमारे पास मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट मेन्यू हो चुकी है। अब यहाँ से कैलकुलेटर पर ओपन करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्लस 300 120 127 32 प्लस। यहाँ से हम जाएंगे स्टार हैश 0808 हैश, यहाँ पर से हम सेलेक्ट करेंगे डीएम मोडियम एडीबी, ओके। इसके बाद मोबाइल फोन रिबूट कर देंगे। मोबाइल रिबूट करने के बाद हम मैं अपने पीसी पर से FRP हाईजेकर एक एप्लीकेशन है उसे ओपन करूँगा। मैंने USB केबल कनेक्ट कर दिया है, मोबाइल को हम यहीं पर रहने देंगे और कैमरा मैं अपने लैपटॉप की तरफ ले जाता हूँ। मोबाइल ऑफ हो जाएगा तो
FRP कंप्लीट हो गई। FRP ओके। मैं फाइल हाइजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अपने लिए, वहाँ से डाउनलोड कर देना, साथ में सैमसंग के ड्राइवर भी।